यूरोपियन व्हीकल्स है, ये इम्पोर्टेड व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बोलते हैं, 110 किलोमीटर एक बार आप चार्ज करेंगे, लगभग 3.5 और 4 घंटे के तहत आप चार्ज करेंगे बैटरी को, तो 110 किलोमीटर तक का माइलेज देने वाला स्कूटर ये है। इसकी खासियत यह है, इसमें फीचर सेफ्टी फीचर्स जम कर दिया हुआ है, जो आमतौर पर दूसरे स्कूटरों में नहीं पाया जाता है। फॉर एग्जांपल साइड स्टैंड नहीं खोलते हैं तो गाड़ी आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आगे जाएगा। स्टार्टिंग में जब आप साइड स्टैंड निकालेंगे तो आपका गाड़ी आगे जाने के लिए तैयार है। तो इस हिसाब से सेफ्टी फीचर है। या फिर गाड़ी बंद किए, अब आप चालू करें, चालू में है अभी भी, एक्सीलेटर दे तो नहीं जाता, स्टैंड निकालने के बाद भी नहीं जाता। ये देखिए मैं एक्सीलेटर अभी इसको बंद करके चालू करता हूँ, नहीं जा रहा, स्टैंड में निकलने नहीं जा रहा। क्लच पकड़ने के बाद, पकड़ के छोड़ने के बाद चालू हो रहा। तो सेफ्टी फीचर्स है, आपको कीलेस एंट्री सिस्टम है, रिमोट है, गाड़ी कहाँ है, ढेर सारे गाड़ी पार्क है, आपको गाड़ी ढूंढना है तो नंबर पे अंधेरे में नहीं जाते, तो आप गाड़ी आसानी से पहचान ले सकते हो। ये सब फीचर्स में दिया हुआ है। कीलेस एंट्री है, बैटरी 3 साल का गारंटी पीरियड है, अलार्म है, बजर है। तो आप कुछ पूछना है तो इसका कैसा कैसा सिस्टम है सर? इसमें एक बैटरी रहता है जी, यहाँ पे एक बैटरी है, सिंगल बैटरी स्कूटर, एक बार चार्ज करने से 110 किलोमीटर जाए। कितने घंटे चार्ज करना? 3.5 से 4 घंटा काफ़ी है। जो आमतौर पे घर में मिक्सर विक्सर चलाते, टीवी चलाते, वही सॉकेट पे लगाए तो भी नो प्रॉब्लम। सपोज इफ यू आर ट्रैवलिंग एक्सटेंस के लिए अराउंड 300 किलोमीटर डे यूजिंग टू व्हीलर, दैट टाइम यू रिक्वायर डबल बैटरी, बट द चेसी एंड द व्हीकल शैल रिमेन द सेम। इफ यू चेंज द बैटरी द रेंज, इफ यू चेंज द रेंज व्हीकल कॉस्ट वेरीज, मेनली द कॉस्ट ऑफ द बैटरी इज इंपॉर्टेंट। सर लिथियम आयन बैटरी नहीं मिलता, सबसे महंगा पार्ट वही है। अक्सर अच्छा, इसका आरटीओ का जो भी है आप पूरा संभाल लेंगे? आरटीओ रजिस्ट्रेशन है नहीं है पहली बात, आरटीओ रजिस्ट्रेशन इसको जरूर रहेगा। आमतौर पर पब्लिक को इस बात की जानकारी नहीं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं 50 किलोमीटर उसके नीचे स्पीड भागने वाले व्हीकल, उनको आरटीओ रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ वो बात नहीं आती, क्योंकि हाई स्पीड स्कूटर है, आप मिनिमम 70 स्पीड आराम से जा सकते हैं डबल बेड के, तो इसको जो है आरटीओ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब